समर्थकों की भारी भीड़ के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट फांद कर एंट्री की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसे समझने से पहले एक बार वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर लखनऊ में JPNIC पर जोरदार हंगामा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही LDA ने JPNIC के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ऐसे में ताला बंद होने के कारण अखिलेश यादव JPNIC का गेट फांद कर अंदर गए और वहां उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि LDA ने देर शाम ही गेट पर ताला लगा दिया था। गेट फांद कर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई। LDA ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को JPNIC में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं JPNIC के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर JPNIC के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा अब हाई हो गया है। JPNIC के अंदर जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने CM योगी और BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस JP समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है। JPNIC को लेकर BJP और समाजवादी पार्टी में तकरार। JPNIC को लेकर समाजवादी पार्टी और मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार में 2017 से ही विवाद चल रहा है। JPNIC अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने कई आरोप भी लगाए हैं और अब इसे लेकर विवाद फिर शुरू हो गया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स